नेम इज ओपी चौधरी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, थर्ड लेक्चर आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लास 10 का सोर्सेस ऑफ एनर्जी थर्ड लेक्चर आपका। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एनर्जी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के टाइप्स क्या क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ऐसे कौन से एनर्जी है जिनको आप बोल सकते हैं गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उनके पास क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपका है, इट मस्ट बी डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी एनर्जी है, ठीक है, तो पर यूनिट मास कंजम्पशन पे मैक्सिमम वर्क हमें वो दे। ठीक है, मतलब जैसे आप एनर्जी मान लिया, कोई भी आपके पास एनर्जी है, कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम ले लीजिए, कोल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी टाइप का एनर्जी, तो अगर वो जैसे मान लिया आपका कोल है वो बर्न होता है, तो बर्न होने के बाद उसने आपके लिए कितना काम किया पता लगा। आप ढेर सारा कोल ले आए, 100 टन्स, ठीक है, 100 केजी, ठीक है, कोई ढेर सारा कोल ले गए और आपने उसको बर्न किया और बहुत ही कम हीट मिला आपको, इसका मतलब उसने आपके लिए काम क्या किया, बहुत कम किया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर वही कोल आपने थोड़ा सा बर्न किया और आपका काम हो गया, आपको ज्यादा एनर्जी मिली, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा वर्क कर रहा आपके लिए। आई बात समझ में, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट क्या, इट मस्ट डू अ लार्ज अमाउंट वर्क पर यूनिट मास, मतलब पर यूनिट मास की उसका पर्टिकुलर मास कंबसन करने पे, जलाने पर वो हमें एनर्जी कितना दे रहा है। दूसरी बात सेम उसी से मिलती जुलती है, इट मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू शायद आपने ना सुना हो या कई बच्चों ने सुना भी होगा। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई फ्यूल हमें, कोई भी फ्यूल हो, कोई एनर्जी हो, कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, फ्यूल इज ऑल्सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लियर, तो फिर वो हमें कितना वर्क डन देता है, कितनी एनर्जी हमें देता है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन सिंपल सा हमने लिख दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट रिलीज्ड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एट एज हीट व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन, क्लियर। जब कोई भी सब्सटेंस हो अगर वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है तो वो हमारे लिए कितनी एनर्जी रिलीज करता है बर्न करने के बाद, कितनी, जैसे आपने 1 ग्राम 2 ग्राम जलाया तो उसने कितनी एनर्जी दी, 1 केजी जलाया कितनी। तो इसका मतलब है कि जैसे आप 5 टाइप के फ्यूल ले लीजिए, 5 टाइप की सोर्सेस ऑफ एनर्जी ले लीजिए, ठीक है, पांचों को जला दीजिए, जलाने के बाद जिससे ज्यादा एनर्जी आपको मिले यानी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू गुड है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, और जिसकी सबसे कम मिले, जिससे सबसे कम एनर्जी मिले जलाने के बाद, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सबसे कम। आई बात समझ में ना, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि कंबसन के बाद, कंबसन मतलब उसको जलाने के बाद हमें ज्यादा एनर्जी किस फ्यूल से मिलता है, ज्यादा एनर्जी किस सोर्स से मिलता है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे हाइड्रोजन है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन का 150 केजी पर ग्राम, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 150 केजी पर ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन आप बर्न करोगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना, हम अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर आप बर्न करते हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर आप बर्न करते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 150 किलो जूल का मतलब है कितना आपका हो जाएगा 15,000 जूल, कितनी एनर्जी मिलेगी 15,000 जूल, ये किलो जूल में लिखा है, जूल में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर आप बर्न करते हो तो आपको कितना मिलेगा 15,000 जूल एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है। फिर इसके बाद ढेर सारे लिखी हुई आपकी, ठीक है, आप इसको नोट आउट कर सकते हो, मेथेन की 50 किलो जूल पर ग्राम, एलपीजी की 55, ये लगभग अप्रॉक्स में, ये कन्फर्म आपका लगभग अक्रॉस में, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, इसका 52 जैसे 48 लिखा है, इसका 45 से 48 के बीच में होता है केरोसिन का, ठीक है, पेट्रोल के पेट्रोल और डीजल का भी इसी के आसपास होता है 45 किलो जूल पर ग्राम के अप्रॉक्स, ठीक है, पेट्रोल और डीजल का भी। तो मेथेन का 50, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका कितना होता है 55, केरोसिन का कितना होता है 48 किलो जूल, ठीक है, चारकोल का 33 किलो जूल, वुड यानी लकड़ी जो हम जलाते हैं तो वहां से हमें 1 ग्राम में कितना 17 किलो जूल मिलता है, क्लियर। तो कैलोरीफिक वैल्यू बात समझ में है क्या होती है,
ठीक है, कि कोई भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी का कंबसन करने पे हमें कितनी एनर्जी ऑप्टेन होती है उसके पर ग्राम में, पर केजी में भी निकाल सकते हो इसी में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट, तो ये दो फीचर्स हुए हमारे, अभी गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी में तीसरा इजिली एक्सेसिबल, ठीक है भाई, आसानी से आपको मिल जाए, है ना, आसानी से आपको मिल जाए, इजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है, पता लगा आपको उसकी नीड है और आप ढूंढते फिर रहे हो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ ये गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, इजी टू स्टोर, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिसको आप स्टोर करें, स्टोर करने में आपको कम खर्चा लगे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब जैसे मान लिया आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर फॉर्म में कोई चीज है, तो उसको स्टोर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है ना, इसीलिए वो एनर्जी हमारे लिए थोड़ी सी चीपेस्ट एनर्जी में नहीं आती है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव हो जाती है हमारे लिए। क्यों भाई, न्यूक्लियर वगैरह को उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है, मतलब वो हमारे लिए कहीं ना कहीं जाकर एक्सपेंसिव हो जाता है, वो हमारे लिए चीपेस्ट नहीं रह जाता। तो इजी टू स्टोर होना चाहिए एंड सेफ टू ट्रांसफर, जैसे हमने न्यूक्लियर का एग्जांपल दिया, उसको ट्रांसफर यहाँ से वहां ले जाने में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उसकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, उसको ज्यादा सेफ तरीके से ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी और बाकी सारे काफी सारे एनर्जी है सेफ टू ट्रांसफर, जैसे कोयला वगैरह है आपका, है ना, तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली आपका पर्यावरण से संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है, तो इको फ्रेंडली। नेक्स्ट, चीप एंड इजली अवेलेबल, ठीक है, तो ये वही बात हो गई आपकी कि मतलब चीपेस्ट होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाए कहीं भी, इस टाइप का हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सस्ता हो आसानी से मिल जाए, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सेफ टू हैंडल एंड यूज, है ना, अब ऐसा है पता लगा आपने किसी कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको यूज करने में बहुत ज्यादा खतरा हो, है ना, कि अगर आप उसको यूज करें तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइप का हार्म ना पहुंचाए हमें, किसी टाइप का नुकसान ना पहुंचाए, तो सेफ टू हैंडल एंड यूज होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई ना, तो गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी सिंपल सा टॉपिक है, एक बार अच्छे से रिक्वायर इसको एक बार अच्छे से आपने माइंड में बैठा लेना, और एक बार अगर फिर से आप देखना चाहते हैं वीडियो पीछे करके फिर से एक बार देख लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको हमने बताया कि वर्क पर यूनिट मास आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मिल सके, कैलोरीफिक वैल्यू हमने आपको बता दिया, फिर इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से स्टोर कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सके हम, है ना, सस्ता और आसानी से मिल जाए कहीं पर भी, और सेफ टू हैंडल एंड यूज। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब जैसे क्या होता है, ये कैलोरीफिक वैल्यू की जो हम लोगों ने बात की थी, कैलोरीफिक वैल्यू हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लिया अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आपको डिफाइन करना, फॉर फ्यूल, किसी फ्यूल की अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करना है, फॉर एनी टाइप ऑफ फ्यूल, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एनर्जी, एनर्जी पर मोल, ठीक है, मतलब उसका एक मोल अगर हम कंज्यूम करें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी पर केजी, एनर्जी पर केजी, है ना, एक केजी अगर हम उसका क्या करें, कंज्यूम करें तो कितनी एनर्जी मिलेगी, है ना, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उसका जैसे मान लिया कोई गैस है, गैस वगैरह है, तो उसका कितना वॉल्यूम हम कंज्यूम करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप ऐसे भी डिफाइन किया जाता है इसको, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू को एनर्जी पर मोल में, एनर्जी पर केजी में, एनर्जी पर वॉल्यूम में भी डिफाइन किया जाता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एनर्जी क्राइसिस। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, भाई क्राइसिस का मतलब सिंपल सा क्या, क्राइसिस मतलब संकट, क्राइसिस मतलब संकट, मतलब एनर्जी का संकट, हाँ बिल्कुल वही है, एनर्जी का संकट। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग देखें तो इसका मतलब है शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, अब वो किसी भी टाइप का एनर्जी हो बेटा, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, तो जब शॉर्टेज ऑफ एनर्जी हो जाती है तो हम लोग उसी सिचुएशन को एनर्जी क्राइसिस बोलते हैं, सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल सिंपल, जब शॉर्टेज ऑफ एनर्जी हो जाती है, किसी भी टाइप के एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। जनरली हुआ करता है पेट्रोल डीजल वगैरह का, ठीक है, है ना, मोस्टली अपने इंडिया में कोल और क्रूड ऑयल का हुआ करता है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग, अब होता क्या एनर्जी क्राइसिस,
A situation when demand of energy is more and availability of energy is less. बात को ध्यान से समझना. Demand of energy, energy की मांग अगर ज्यादा हो जाए, availability और energy आपके पास कम available हो, less कम available हो, तो इस type के situation को हम क्या बोलते हैं? Energy crisis बोलते हैं. इस टाइप की सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि शॉर्टेज ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी क्राइसिस बोला जाता है. क्लियर? सेम चीज अगर सप्लाई ऑफ एनर्जी, डिमांड ऑफ एनर्जी, तो अगर आपका सप्लाई ऑफ एनर्जी लेस है, सप्लाई ऑफ एनर्जी लेस है और डिमांड ऑफ एनर्जी मोर, डिमांड ऑफ एनर्जी इज मोर, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी क्राइसिस. ठीक है, सिंपल सा आप डिफाइन कर सकते हैं इस बात को. बात समझ में आ रही ना? ठीक है, कि अगर सप्लाई ऑफ एनर्जी लेस हो जाए, डिमांड ऑफ एनर्जी मोर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी क्राइसिस. ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल हम लोग लें तो देखो, काफी बार एनर्जी क्राइसिस हो चुका है, काफी सारी हिस्ट्री है उसके बारे में, काफी सारी कंट्रीज में हो चुका है, आपके इंडिया में भी हो चुका है. ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था. ठीक है, 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था. भाई ऑयल मतलब क्या? पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी. पेट्रोलियम का टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. किस टाइप का? नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, ठीक है. कैसा है? नॉन रिन्यूएबल यानी एग्जॉस्टिबल, कन्वेंशनल. ठीक है, तो 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था बेटा. 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था. इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था आपका ओ ए पी E, C. अब ये क्या है? O A P E C. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, O A P E C क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, सिंपल से हम बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो हेड ऑफिस है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में. कहाँ पे है? कुवैत में है. और ये अरब में, अरब नेशंस के जितने भी पेट्रोलियम ब्रांच यानी जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग वहाँ पे एरियाज हैं, है ना, अरब नेशंस में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है. कहाँ पे? OAPEC. ठीक है, OAPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग है ना कंट्री. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ था यहाँ पर? 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था. फिर नेक्स्ट ऑयल क्राइसिस हुआ था एक बार और 1979 में. 1979 में भी ऑयल क्राइसिस हुआ था, काफी बड़ा ऑयल क्राइसिस था. ये क्यों हुआ था, है ना, ये आपका जो हुआ था ईरानियन रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग हुआ था. ईरानियन रिवॉल्यूशन, उनके बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी वहां पर, कुछ राजनीतिक माहौल टाइप का, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, है ना. कुछ ऑयल क्राइसिस के हमने आपको बता दिए कि 1973 में हुआ था आपका, है ना, ये जो आपका कुवैत के बड़ी कंपनी है आपकी, ठीक है, वहां पे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालती है वहां पे. और 1979 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था ये कब हुआ था? ये ईरानियन रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग हुआ था. कब हुआ था बेटा? ईरानियन रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग हुआ था ये. ठीक है, ईरानियन रिवॉल्यूशन, शायद वहां पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग लिख लेना, ईरानियन रिवॉल्यूशन लिखा हुआ. ठीक है, फिर नेक्स्ट, इंडिया में भी काफी बार हो चुका है, ऐसा नहीं है. इन इंडिया, इंडिया में जनरली जो होता है एनर्जी क्राइसिस वो कोल का होता है, क्रूड ऑयल का होता है. ठीक है, इंडिया में भी होता है, ऐसा नहीं. ठीक है, तो बात समझ में आई ना, हमें सिर्फ ये समझना है एनर्जी क्राइसिस है क्या, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी. अब वो किसी भी टाइप की एनर्जी, ठीक है, मान लिया कोई भी एनर्जी हो, जैसे मान लिया पेट्रोल है, पेट्रोल का अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, उसकी सप्लाई कम हो जाए तो हम बोलेंगे एनर्जी क्राइसिस. डीजल है, डीजल का डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई ना दे पाए तो हम उसको बोलेंगे क्या? एनर्जी क्राइसिस. ऐसे कोई भी टाइप की एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई उसकी नहीं हो पा रही तो हम उस सिचुएशन को एनर्जी क्राइसिस को. आ रही बात समझ में ना? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे.
बाकी के हम लोग फोर्थ लेक्चर में करेंगे, छोटा छोटा वीडियो आपका है ना, तो आराम से थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी आपको जो वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, जिस चैप्टर में चाहिए, फिजिक्स में है ना, तो वो आप हमें कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लाइक वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे लिए अच्छा होगा, है ना। तो फिर समझ रहे हो ना, थोड़ा सा हम आपके लिए थोड़ा मेहनत में इंक्रीमेंट करेंगे, तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं।